सर, किस तरह के फूडमार्ट का संदेश किया था? आज महोबा जनपद का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें एसपी महोबा, एडिशनल एसपी महोबा, सीओ साहिबान और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की गई। पुलिस लाइन का भ्रमण किया गया, पुलिस कार्यालय का भ्रमण किया गया, जिसमें जीप शाखा, अकाउंटेंट शाखा, डीसीआरबी, सीसीटीएनएस, आईजीआरएस, समस्त शाखाओं का आज निरीक्षण किया गया। साथ ही फुट पेट्रोलिंग अभी की गई, जो आला चौक से लेकर उगल चौक शहर के अन्य क्षेत्रों में भी भ्रमण किया गया, और यहाँ ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए कड़ाई करने के लिए इसमें निर्देशित किया गया है। साथ ही जो आज कुछ थाने हमारे फुल पहाड़ और महोबखंड, ये थाने चेक किए जाएंगे। रात्रि विश्राम भी आज जनपद महोबा में रखा गया है। हमारे जो क्राइम की स्थिति है यहाँ, वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। सभी हेड्स में क्राइम में गिरावट आई है। जो चेकिंग है, जैसे एंटी रामदेव दल द्वारा चेकिंग, बाइकर्स की ये चेकिंग, फुट पेट्रोलिंग, इन सब की समीक्षा की गई है। अभी तक कार्रवाई काफ़ी कारगर रही है, लेकिन इन नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए और भी कार्रवाई की है। सर, रास्ते में विद्यालयों को भी देखा है आपने, चौराहे को भी देखा है सर? यहाँ कई विद्यालय इसमें बातचीत की गई है जो चौकीदार हैं, कि वहाँ एंटी रोमियो दल आ रहे हैं नहीं, उनके द्वारा बताया गया कि एंटी रोमियो दल द्वारा वहाँ भ्रमण किया जा रहा है। थाना प्रभारी, महिला थाना द्वारा भी अभी जो लड़कियों के लिए कहीं इस प्रकार की शिकायतें हैं जहाँ छेड़छाड़ की जाती है, हॉट स्पॉट्स हैं, उनके लिए भी चिन्हित करने के लिए बता दिया गया है। और निरंतर हमारे एंटी रोमियो दल इस बारे में सख्त कार्रवाई करेंगे, जहाँ भी कोई शौदे मिले या छेड़छाड़ की घटना होगी। साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए PSI और सभी जो थाना प्रभारी हैं, चौकी इंचार्ज हैं, उनको कहा गया है कि वो डेली इस प्रकार की चेकिंग करें। फुट पेट्रोलिंग के दौरान जो आपराधिक तत्व हैं या ट्रैफिक के नियमों का वायलेशन करते हैं या एनफोर्समेंट करते हैं, उन पर कार्रवाई करें। थैंक यू।